नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने उप तहसील नगरोटा सूर्या को तहसील में स्तरोन्नत करने की घोषणा। 162 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं के किए शिलान्यास और लोकार्पण। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सफाई कर्मचारियों को कोरोना सुरक्षा किट की वितरित। बेटियों के जन्म पर बधाई संदेश देने घर घर जाएगा जिला प्रशासन। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के परीक्षा संबंधी निर्देश वापस लेने की मांग। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले की उप तहसील नगरोटा सूर्या को तहसील में स्तरोन्नत करने की घोषणा की और ज्वाली निर्वाचन क्षेत्र में 161.58 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग की 21 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगरोटा सूर्या में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ज्वाली निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को तीव्र गति से विकास करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में चहुमुखी विकास बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। उन्होंने कोविड-19 संकट के बीच केंद्र और राज्य सरकारों को समर्थन देने और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। जिंदगी में सच कह रहा हूँ, मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि ये लंबे समय तक इतिहास का हिस्सा रहेगा। जिन लोगों ने इस बड़े संकट, दुनिया के सबसे बड़े संकट के दौरान सेवा का काम किया है, उन लोगों का जिक्र होता रहेगा। ये पीढ़ी जो हमारे सामने जो बैठी है, यहां पर आने वाली पीढ़ियों को इस बात को समझाने में अपनी भूमिका निभाएगी। जब कोविड का संकट आया था, उस वक्त हमने किस प्रकार से जिंदगी की, और देश के प्रधानमंत्री आज तक जितने भी रहे, कोई भी ऐसे संकट के दौर में से नहीं गुजरे। और प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भले ही मुख्यमंत्री कई रहे, बार बार रहे, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे दौर में से नहीं, इस दौर में से हम अब तो चीजें सामान्य होने की स्थिति में। और मुझे इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई भी देनी है कि इस कोविड के संकट में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने बात कही कि हमको भारत में जो है वैक्सीन भी भारत में बनानी है, हमें पीपी किट भी भारत में बनानी है, हमको वेंटिलेटर भी भारत में बनाना है, हमको N95 मास्क भी भारत में बनाना है और बनाए। जहां भारत में एक पीपी किट उस वक्त नहीं बनती थी, आज भारत में एक दिन में 6 लाख से ज्यादा पीपी किट बनती है, और भारत के लिए जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं, लेकिन भारत के बाहर भी पीपी किट हम भेज रहे। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि इस बहुत बड़े संकट में इस भारत का नेतृत्व तो ऐसे मजबूत हाथों में आया है जो हमारे और आपके लिए कहने के लिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दुनिया की नजर में वो विश्व नेता की छवि बनाने में सफल। हमें हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के इलाज के लिए हिमकेयर की शुरुआत की। गरीब लोगों के लिए 150 करोड़ अभी तक हम हिमकेयर के अंतर्गत गरीब लोगों के इलाज के लिए खर्च करते हैं। आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, बीमार होता है, ठीक हुआ नहीं होता है, लेकिन वो मरीज कहता है डॉक्टर को मुझे घर ले चलो, मेरे पास अब इलाज के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि घर जमीन सब जो है कर्जे में डूब जाएगा, सारा परिवार कर्जे में डूब जाएगा। मैं दुनिया से चले जाऊं कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं ये नहीं देखना चाहता कि मेरा परिवार मेरे जाने के बाद भी उस कर्ज को अदा करता रहे। हमें ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। आदमी गरीब है, गरीब के इलाज की जिम्मेवारी हमको लेनी, हमने दी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हिमकेयर को हिमाचल प्रदेश के आज तक के जितने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सेवाएं चल रही है, जितनी भी योजना चल रही है, सबसे बेहतर योजना हिमकेयर है, जहां लोगों को इलाज के लिए पैसा जो है वो बिना खर्च
खर्च किए जो है वो सहयोग सरकार की ओर से मिलता है। आगे बढ़कर के हमने एक और योजना शुरू की, हमने कहा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कहीं एक्सीडेंट में टांगे टूट गई, चलने के लायक नहीं रहा, स्पाइन टूट गई, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, कैंसर हो गया, किडनी हो गई, जिंदा है, बिस्तर पर पड़ा है लेकिन चल नहीं सकता है, घर के एक परिवार के सदस्य को उसकी सेवा के लिए वहां पर रात दिन उपस्थित रहना पड़ता है, ऐसी स्थिति में उस आदमी की मदद हो, कैसे मदद हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। हमने कहा 3,000 रुपए हम सहारा योजना के अंतर्गत उनके खाते में हर महीने डालते थे। 12,000 लोग ऐसे हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हो गए जो जिनको सहारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए उनके खाते में। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि आपके यहां जो तहसील की जो बात कहेंगी, सब तहसील को अपग्रेड करके इसको भी तहसील बढ़ा देंगे। कोरोना काल में समाज के अन्य लोगों के साथ साथ प्रदेश के विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों ने कोरोना योद्धाओं के रूप में प्रथम पंक्ति में कार्य कर समाज के जीवन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बात शहरी विकास मंत्री एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सीट कंपनी द्वारा नगर निगम को 11 लाख रुपए की राशि से प्रदान कोरोना सुरक्षा किट वितरण कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस किट में सैनिटाइजर, पीपीई किट, हैवी ड्यूटी ग्लव्स, मास्क व स्प्रे पंप शामिल है। नगर निगम शिमला के सफाई कर्मचारियों को कोरोना सुरक्षा किट वितरित करते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कोरोना संकट काल में देश व प्रदेश में केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रयासों के साथ साथ विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं, कॉरपोरेट व्यवसायिकों द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन बड़े स्तर पर लगाई जा रही है और देश की 2 कंपनियों ने यह वैक्सीन लगाई है जो आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने का सराहनीय कदम है। उन्होंने सभी से निवेदन किया कि वे बिना मास्क के घरों से ना निकले, हाथों को निरंतर सैनिटाइज करते रहें और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि यह किट सीट संस्था जो कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में भागीदारी प्रदान करती है उनके द्वारा नगर निगम शिमला के सफाई कर्मचारियों को दी गई है। इस अवसर पर महापौर सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेंद्र चौहान, पार्षदगण, आयुक्त नगर निगम आशीष कोहली व सीड संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे। शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 11 लाख के जो स्प्रे करने वाले पंप्स हैं, पीपीई किट्स हैं, उसमें मास्क हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं दी हैं। ये एनवायरमेंट एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं ये संस्था, इसलिए हैवी ड्यूटी ग्लव्स जो हैं वो साथ में दिए हैं, जो वैसे भी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वास्तव में यही असली जो है कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने लगातार जो है वो कोरोना वायरस के काल में जो है वो काम किया है और अभी भी कोरोना वायरस से पूर्ण रूप से निजात नहीं मिली है। आज का ये प्रोग्राम जो है वो एक किस्म से प्रतीक स्वरूप भी है कि हम अभी भी जो है वो ढिलाई ना बरतें। लोग जो हैं वो मास्क हम सफाई कर्मचारियों को बांट रहे हैं, पीपीई किट दे रहे हैं, अपने हैवी ड्यूटी ग्लव्स जो हैं जो उन्हीं के हैं, बाकी लोग भी जो हैं यूज़ कर सकते हैं उनको, और पंप जो हैं वो सैनिटाइजेशन के लिए जो है वो स्प्रे करने वाले जो हैं वो दिए गए हैं। तो उस दृष्टि से जो है वो सब लोग इसका प्रयोग भी करें और नगर निगम जो है वो इसका प्रयोग अभी भी कर रहा है और आगे भी इसको करेगा। और हम जो सोसाइटी है सीड्स एनवायरमेंटल सोसाइटी, इसने शिमला नगर निगम को चुना है और वैसे भी शिमला शहर जो है वो इस बार लिवेबल सिटीज़ में हिंदुस्तान भर में जो है वो पहले नंबर पर रहा है। 2018 में जो 92 नंबर पर था, इस बार 1 नंबर पर आया है। तो ये शिमला लिवेबल बनाया है तो इसमें अफसरों का हमारा जितना योगदान होगा उससे कहीं ज़्यादा बढ़ कर के हमारे जो ये कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सैफ सोसाइटी के हैं या नगर निगम के हैं या बाकी जो हमारे यहाँ साफ़ सफाई करते हैं, उनका सबसे बड़ा जो है रोल है। शिमला साफ सुथरा दिखेगा तो रहने लायक जो है वो सिटी होगी, तो इसलिए जो हमारा प्रथम स्थान भी आया है वो इन लोगों की देन है। तो ये सारा जो है हम इनको ही डेडिकेट करते हैं और आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है ये भी इसीलिए है कि ये प्रतीक जो है वो बने सारे
देश के लिए भी और देश के बाहर की स्थानों। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने व किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। यह बात खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत प्लासला में खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन स्तर को उठाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा देना जरूरी है। स्थानीय उत्पादों को खरीदने में भी लोग आगे आएं ताकि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मजबूती मिल सके। आशा करता हूं कि इस प्रशिक्षण का इस क्षेत्र में एक अच्छा उपयोग होगा और जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं वो आज के इस प्रशिक्षण का अपने जीवन में लाभ उठाएंगे और इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सबको इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं डायरेक्टर साहब का कि उन्होंने उनके साथ मैंने लगभग एक साल पहले बात की थी और उन्होंने हमारी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यह आयोजन किया। इसके लिए मैं डायरेक्टर साहब का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, यह जो प्रशिक्षण है खुम्ब की खेती का, मशरूम की खेती का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रामीण बंधु, हमारे किसान बंधु अपने जीवन को ऊपर उठा सके, उनके जीवन का उत्थान हो, उनकी आर्थिकी में बढ़ोतरी हो, यदि उनके जेब में पैसा आए, इस प्रकार का व्यवस्था जो है, योजना जो है, कि सरकार के द्वारा की गई है। और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, इसलिए स्वयं को आत्मनिर्भर बनाते हुए और वोकल फॉर लोकल का जो उन्होंने नारा दिया, यानी हमारी लोकलिटी में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारी पंचायत में, हमारे पड़ोस में जो ऐसे कुछ उत्पादन होते हैं उनको हम बढ़ावा दें, उनकी हम प्रशंसा भी करें, उनकी चर्चा भी करें और उनसे हमारे लोकलिटी में जो उत्पाद होते हैं उनको हम खरीदने के लिए भी आगे बढ़ें ताकि हम अपने समाज का, अपने गांव का उत्थान कर सकें, विकास कर सकें। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रविवार को कैथू वार्ड का दौरा कर वहां चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि लोअर कैथू में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनने वाली पार्किंग को और अधिक विकसित करने के लिए विचार किया जा रहा है। इसके द्वितीय तल में पार्किंग स्थल निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त लोअर कैथू में एम्बुलेंस रोड के संबंध में भी लोगों से विचार विमर्श किया गया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के कैथू वार्ड के विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोअर कैथू में एम्बुलेंस रोड को चौड़ा करने व पार्किंग परिसर के निर्माण के संबंध में जो बिंदु चर्चा के उपरांत निकल कर आए हैं उन्हें निर्माण के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा और पार्किंग को भव्यता प्रदान कर लोगों को सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अपर कैथू में तारा हॉल के पास निर्मित फुट ओवरब्रिज और पैदल चलने वाले मार्ग के निर्माण के लिए जो राय स्थानीय लोगों द्वारा दी गई है उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा और स्मार्ट सिटी के तहत निर्मित किया जाएगा। शिमला नगर निगम का कैथू वार्ड जो है वो उसके प्रवास में एक तो शुरू में ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत तारा हॉल स्कूल के पास जो है वो दो व्यूज हैं, एक ओवरब्रिज बनाने का है और एक जो है वो
जो ऑलरेडी वहाँ पर सबवे बना हुआ है उसका रेनोवेशन का है। तो इस वार्ड के पार्षद श्री सुनील धर जी भी साथ हैं, हमारे संयोजक जो है हरि मित्तल जी वो भी साथ हैं, बाकी कार्यकर्ता भी हैं। सबका मानना यह है कि सबवे जो बना हुआ है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि तारा हॉल स्कूल ने जो है रास्ता भी बना रखा है। अगर इसको जो है वो ठीक कर दिया जाए तो ये जो है वो ओवरब्रिज से ज़्यादा बेटर प्रपोजिशन है। तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है वो हम इस बात को जो है देखेंगे कि भी सबवे बनाना है या ओवरब्रिज बनाना है, तो जनता का जो व्यू है उसके हिसाब से जो है वो काम हो, ऐसे हम समझते हैं कि ज़्यादा उचित रहेगा। इसी प्रकार से आज जो है एक पार्किंग जो है वो लोअर कैथू में बन रही है, नगर निगम का बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें और ज़्यादा जो है वो बड़ा हो सकता है, जिसे CEO स्मार्ट सिटी जो थे उन्होंने कहा था कि इसे जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम ले लेंगे, लेकिन अभी तक निचले पोर्शन का किया है, ऊपरले पोर्शन का इसमें जो है वो एस्टिमेट इत्यादि जो है नहीं बनाया है। तो हम स्मार्ट सिटी के जो CEO हैं उनसे जो है कहेंगे कि भी इसको जो है वो पूरा कम्प्लेक्स अगर बन जाए तो बहुत बड़ी पार्किंग जो है ये हो सकती है, और इसके साथ साथ इसमें जो एम्बुलेंस रोड इत्यादि बननी है वो भी बन जाएगी, और इस क्षेत्र की सारी भी की सारी जो है वो ट्रैफिक कंजेशन है या पार्किंग की जो है वो सुविधा है वो लोगों को यहाँ पर आसानी से मिल सकेगी। ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है वो पूरे करने का प्रयास करेंगे। अब बेटी पैदा होने पर जिला प्रशासन बधाई देने लोगों के घरों में पहुंचेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए जिला प्रशासन यह योजना शुरू करने जा रहा है। योजना के तहत जिले में जहां भी बेटी पैदा होगी वहां जिला प्रशासन के अधिकारी बधाई संदेश लेकर पहुंचेंगे। यही नहीं, घरों के बाहर बेटी के नाम की प्लेट भी लगाई जाएगी। इसके साथ ही जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाली बेटियों के बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को आगे बढ़ाते हुए शिमला जिला प्रशासन द्वारा बेटी पैदा होने पर बधाई संदेश भेजे जाएंगे, ताकि बेटा बेटी के बीच किए जाने वाले फर्क को खत्म किया जा सके, और लोग जैसा उत्सव बेटा पैदा होने पर मनाते हैं वैसी ही खुशी बेटियों के जन्म पर भी व्यक्त करें। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि सरकार द्वारा बेटियों के उत्थान के लिए चलाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन अब बेटी पैदा होने पर बधाई देने लोगों के घरों में जाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए जिला प्रशासन यह योजना शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी बेटियों के होर्डिंग्स भी शहर भर में लगाए जाएंगे, ताकि और भी उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। आदित्य नेगी ने कहा कि जिस घर में बेटी का जन्म होगा वहां परिवार के मुखिया की जगह बच्ची की नेम प्लेट लगाई जाएगी, ताकि बेटियों के जन्म के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव लाया जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जो है हमने 2-3 नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें एक तो ये है कि जो हमारा प्रशासन है वो बेटियों के घर जाके उनको बधाई संदेश देगा कि बेटी होने का जो जैसे होता है, आपको पता है कि बेटा होने पे लोग बधाई देते हैं और काफ़ी खुशी का माहौल होता है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए, इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए कि बेटी होने पर भी लोग उसको मनाएं और उसको जो है सेलिब्रेट करें, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम जो है यहाँ से अपना बधाई संदेश जो है वो बेटी जिनके घर में बेटी हुई है वहाँ पर देंगे। उसके अलावा हमने एक और इनिशिएटिव लिया है कि हम ये जो हमारे जो होर्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, वहाँ पर हम जो बेटी जो अचीवर्स हैं, जैसे कोई 10th में टॉपर है, कोई 12th में टॉपर है, या किसी ने किसी फील्ड में जैसे गेम्स वगैरह में, स्पोर्ट्स वगैरह में कोई एक्सेल कोई मेडल लिया है, तो उनके हम बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे। उसके अलावा जो एक और चीज़ हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे आपको पता है जैसे घरों के बाहर नेम प्लेट होती है, तो जनरली नेम प्लेट जो है वो घर के मुखिया की होती है, तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि आगे से हम जो है जहाँ पे नहीं जहाँ बच्ची का जन्म होगा वहाँ पे बच्ची के नाम की जो नेम प्लेट है वो हम जो है प्रशासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत उन पेरेंट्स को देगा, और उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने घर के बाहर बच्ची का नेम प्लेट लगाएं। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर पिछले 8 दिनों से शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। हर रोज अलग अलग जिलों से कर्मचारी धरने पर बैठ रहे हैं। वहीं रविवार को चंबा हमीरपुर के कर्मचारियों ने मौन प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से नई पेंशन स्कीम को वापस लेकर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की। साथ ही मांगे पूरी न होने पर 18 मार्च को प्रदेश भर में ब्लैक डे मनाने के साथ ही पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन शुरू करने की भी चेतावनी दी।
2004 में पुरानी पेंशन को खत्म कर न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, लेकिन 2009 में केंद्र ने पुरानी पेंशन बहाली की नोटिफिकेशन जारी कर कर्मचारियों को राहत दी थी। लेकिन हिमाचल सरकार उस नोटिफिकेशन को लागू नहीं कर रही है, जिसके खिलाफ कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के चंबा के सदस्य ओम प्रकाश आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री से बजट में पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को बजट से निराश किया, जिसके चलते कर्मचारी 7 मार्च से शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से 20 मार्च से पहले सदन में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। और यदि सरकार मांगे नहीं मानती तो आने वाले समय में एनपीएस कर्मचारी परिवार के साथ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। जैसे कि आपको मालूम है, ये धरने का हमारा जो पेंशन पर चला हुआ है उसका 8वां दिन है और हमें अभी तक ये उम्मीद थी 6 जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट पेश किया तो हम सभी कर्मचारी इस इंतज़ार में थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम जो सरकार एक सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो विश्वास था कि कुछ जो एनपीएस को ओपीएस में बदलेंगे, ये हमें विश्वास था, या 2009 की अधिसूचना को जारी करेंगे जिसमें कि अगर हमारा कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान मर जाता है तो उसके परिवार को ओपीएस के दायरे में लिया जाता है, पुरानी पेंशन दी जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनपीएस का कर्मचारी अगर मरता है तो आज की डेट में उसका परिवार सड़कों पर आ जाता है। ये सरासर सच्चाई है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो अगर अभी भी हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि 20 तक बजट सत्र चला हुआ है, ये हमें ये तोहफा देंगे और ये देना लाजमी भी है, क्योंकि ये एक किसी एनपीएस कर्मचारी की ही डिमांड नहीं है, ये आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम इसी विश्वास से बैठे हैं, आज हमने मौन व्रत रखा है कि सरकार हमारी चुप्पी को समझे, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आवाज़ को और बुलंद करना पड़े। अगर ये आवाज़ और बुलंद हुई तो मैं ये भी आपसे संदेश इस आपके मीडिया के माध्यम से दे देना चाहता हूँ कि 20 के बाद हमारा जो रणनीति है वो भी बदलेगी, जैसा राज्य अध्यक्ष महोदय हमें आदेश देंगे, हर घर से हर बच्चा सड़कों पे आएगा और जिसकी एक ही डिमांड होगी, ओपीएस बहाली। हमीरपुर ब्लॉक के अध्यक्ष हाकम सिंह राणा ने कहा कि सरकार ने धोखे से पुरानी पेंशन खत्म की है, इसको लेकर कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि जब विधायक और सांसद को पेंशन मिल सकती है तो कर्मचारियों को क्यों नहीं। बीजेपी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी ये सरकार कोई बात नहीं कर रही है, जिसके चलते एनपीएस संघ अपना उग्र आंदोलन शुरू करेगा और 17 मार्च को पूरे प्रदेश में कर्मचारी ब्लैक डे मनाएगा। विजन डॉक्यूमेंट्री के तहत जो कमीशन पेंशन कमेटी गठित होनी है उसके लिए जो है हम जल्दी जो है पहल करने वाली है, लेकिन सरकार के 3 साल पूर्ण होने के बाद भी इस पर कोई सकारात्मक जो है पहल नजर नहीं आ रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा यहाँ पे क्रमिक अनशन जो है 7 मार्च से 6 मार्च को बजट हुआ। 7 मार्च को जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है प्रदीप ठाकुर जी, उनकी अगुवाई में ये लगातार जो है हमारा 8वां दिन आज जो है अनशन का चल रहा है इसके, और आज जो जितने हमारे साथी बैठे हैं ये मौन धारण करके बैठे हैं, वो इसलिए भी हैं, आज हमारा हिंदुस्तान की जो है एक संस्कृति है, हमारा आज चैत्र संक्रांति भी है और इसके तहत हम सबको बधाई संदेश भी देना चाहते हैं, लेकिन ये मौन पट्टी बांध करके हम प्रदेश सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहते हैं, हम अहिंसात्मक लोग हैं, कर्मचारी है, सरकार की रीढ़ की हड्डी है, आप हमारी बात को समझिए, हमारा आपके खिलाफ जाने का कोई शौक नहीं है, आप जो है इस पर जो है पहल करिए और जो है 2009 की अधिसूचना को जारी करिए और जो आपने पेंशन कमेटी की बात की है उसको गठित करिए, हमारे पदाधिकारियों को उसमें सम्मिलित करिए, तब जाके जो है उसमें जो है कोई सकारात्मक निर्णय आएगा। तो ये हम प्रदेश सरकार को आज के दिन जो है इस क्रमिक अनशन पर कहना चाहते हैं। अगर आने वाले 2-3 इस बात का हमें भी खेद है, 8वां दिन चल रहा है, ना कोई सरकार की ओर से कोई यहाँ पे सूद लेने तक नहीं आया है, यद्यपि हमारे पुलिस भाई बेचारे खड़े रहते हैं हमारे साथ, लेकिन सरकार का फर्ज बनता है, ये लोग बैठे हैं कम से कम बात करें, पूछे तो सही भाई, हेलो हाय तो करो, हालचाल तो पूछो, आपके कर्मचारी बैठे हैं क्यों बैठे हैं, लेकिन किसी को चिंता ही नहीं है और ऐसा लगता है जैसे इग्नोर करके ये कहना संदेश देना चाहते हैं, जैसे हमें मालूम ही नहीं है, बौद्री नहीं करना चाहते हैं। अगर इसी तरह से सरकार का रवैया रहता है तो आने वाले टाइम में ये आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा और ऐसा रूप धारण करेगा, अगर हम जो है महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर अहिंसात्मक तरीके से चल रहे हैं तो हम सुभाष चंद्र बोस और जो है
हमारे लाला लाजपत राय और हमारे भगत सिंह है, ऐसे लोगों के पद चिन्हों पर चढ़ने से भी हम गुरेज नहीं करेंगे। देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले आजादी के परवानों के बलिदान की गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए शिमला स्थित रिज मैदान पर आजादी का अमृत महोत्सव नाम से फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी को लेकर पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आजादी की लड़ाई के इतिहास से रूबरू करवाना है। ये एग्जीबिशन हमने मुख्यतः 12 मार्च से 16 मार्च तक शुरू किया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी जी ने, और उसी के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है समक्ष पूरे देश में। और 12 मार्च को ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती से के आश्रम से दांडी पद यात्रा की शुरुआत की, और ये सिलसिला जो है भारत सरकार का जो अमृत महोत्सव है ये 2022 तक चलेगा, 15 अगस्त तक। तब उस दिन 2022 में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, तो ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। इसका मुख्य मकसद ये है कि लोग जो हैं वो आज़ादी के संघर्ष को जाने पहचाने, खासकर युवा जो हैं वो उसे प्रेरणा लें, ताकि एक देशभक्ति की भावना जागृत हो सके लोगों में, लोग जान सकें कि जो भारत की जो आज़ादी है वो किन किन कठिन रास्तों से चलकर हमको नसीब हुई है, और ताकि एक नया भारत जो है इस माध्यम से बनकर उभरे, और उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। पार्टी सिंबल पर होने जा रहे नगर निगम के चुनावों में भाजपा व कांग्रेस पार्टी सहित आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार में जुट गई है। सोलन शहर के वार्ड नंबर 14 से प्रचार प्रसार करने पहुंचे आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें जनता से काफी समर्थन मिल रहा है। आप पार्टी के प्रवक्ता एसएस जोगटा ने कहा कि अगर सोलन नगर निगम में आप पार्टी काबिज होती है तो वह सोलन शहर को एक आदर्श शहर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं सोलन नगर निगम में भाजपा के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता पर भी एसएस जोगटा ने जमकर निशाना साधा। आज जिस तरह से सोलन जिले के नगर निगम में जो चुनाव होने निश्चित हुए हैं और प्रदेश सरकार ने भी उसकी घोषणा कर दी है, यानी कि नोटिफिकेशन भी कर दी हुई है, तो आज हम पूरे प्रदेश से जो है कार्यकारिणी का जो यहाँ पर जमघट इकट्ठा हुआ है, तो आज हम वार्ड नंबर 14 के मोहल्लों में, गलियों में, घरों में लोगों को कन्विंस करने जा रहे हैं और केजरीवाल की नीतियों को उनको अवगत कराना चाह रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सोलन जिला के जो वार्ड नंबर 14 के साथ जो जितने भी तमाम वार्ड हैं, जो इनका रिस्पॉन्स लोगों का, जनता का मिल रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से रुझान, पानी बहुत बड़ी समस्या है और टॉयलेट्स एक और समस्या है, और जो ड्रेनेज जो सिस्टम है जो सड़कों के इर्द गिर्द जो किनारे में ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत बुरा हाल है। अभी हमने कई जगह की कूड़े की जो फोटो ली है, जो गार्बेज जो लोगों ने फेंका हुआ है, नगर जो नगर परिषद सोलन की है उसकी नलायकी की वजह से, और यहाँ पर जो सोलन में जो प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कैप्टन तैनात किए हैं, और हम तो उनका स्वागत इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो पिछले दिनों में कई चीज़ों में, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो नैपकिन हो, चाहे वो मास्क के जो घोटाले में संलिप्त थे, और जब वो स्वास्थ्य मंत्री रहे तो उसके उनके बारे में आपको सबको पता है, और प्रदेश सरकार के जो संगठन है इनकी बीजेपी का संगठन या प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर जी है वो पार्टी अध्यक्ष से भी उनको निकाला गया है, विधानसभा अध्यक्ष से भी उनको निकाला गया है, तो इस कड़ी में उनके पास एक और आदमी कोई नहीं मिला, तो सोलन का जो नगर निगम का जो इंचार्ज है वो उनको बना दिया गया है, उनको नाम देने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पर वातावरण इस कदर बना हुआ है कि यहाँ की जो सोलन की जो जनता है वो बिल्कुल एक तरफ जो है आम आदमी की तरफ उनका जो ध्यान बना हुआ है वो काबिले तारीफ है, और हमारे को खुशी हुई है आज विभिन्न वार्डों में हमने जो विजिट किया कैंडिडेट्स के साथ जो हमने विजिट किया है और उनको जो सपोर्ट और मदद मिल रही है वो अपने। हिमाचल प्रदेश राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य और उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर आग्रह किया कि दृष्टिबाधित एवं अन्य पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा हाल ही में जारी परीक्षा संबंधी दिशा निर्देशों को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि ये दिशा निर्देश कानून की दृष्टि से अवैध है। अजय श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने के लिए केंद्र सरकार व UGC द्वारा जारी दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन है, इस दृष्टिबाधित एवं अन्य पात्र विकलांग विद्यार्थी प्रताड़ित होंगे। प्रदेश सरकार ने 16 दिसंबर 2020 को दृष्टिबाधित और हाथ से परीक्षा देने में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए एक गाइडलाइंस इशू की हैं। ये खाली विद्यार्थियों के लिए नहीं है, नौकरी में भर्ती के लिए भी गाइडलाइंस हैं कि कैसे इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। वो गाइडलाइंस पूरी तरीके से अवैध हैं,
वो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बाद भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और UGC ने जो एक डायरेक्शंस इशू किए हैं, निर्देश देश भर को भेजे हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ को और सभी जगह कि इसमें संशोधन करके इसको देखा जाए। 2018 की जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, उसमें क्या है कि 2018 की गाइडलाइंस में भारत सरकार ने कहा था कि जो राइटर चाहिए होता है, जो हाथ से दृष्टिबाधित लोग जब बोलते हैं वो हाथ से उसको लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो वो राइटर जो है वो अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह स्कूल प्रोवाइड करेगा तो वो उससे एक क्लास ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि बराबर की क्लास का या उससे नीचे होना चाहिए, और अगर विद्यार्थी खुद राइटर ढूंढ के लाता है तो वो एक क्लास जूनियर होना चाहिए। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि यदि आप राइटर प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है, और अगर बच्चे को खुद से राइटर ढूंढ के लाना पड़ता है तो 2013 की जो भारत सरकार की गाइडलाइंस थी जिसमें कहा गया था कि राइटर कोई भी हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी, वही कानून लागू होगा, वही रूल्स लागू होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का रवैया दिखाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट, UGC और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के खिलाफ अपनी एक गाइडलाइंस बना दी हैं जिसमें एक क्लास जूनियर राइटर का को जो है अनिवार्य कर दिया गया है। ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। राइटर देना कानून के मुताबिक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी की जिम्मेवारी है, और इसको लेकर के मैंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है कि ये पूरी तरीके से गाइडलाइंस हिमाचल सरकार की अवैध हैं, शिक्षा विभाग का उनको आगे लागू करने के लिए भेजना बिल्कुल अवैध है, ये गलत है, शिक्षा विभाग का इसमें कोई काम नहीं है, और इन गाइडलाइंस को तुरंत वापस लिया जाए, ये मैंने उनसे मांग की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री, चूँकि पूरे राज्य के जो है सूबे के ही जो है हेड हैं, वो इन बच्चों की तरफ भी ध्यान देंगे और इन गाइडलाइंस को वापस लेकर के जो न्याय है वो इनके साथ करेंगे। सरकार ने इन गाइडलाइंस को वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो 2013 की भारत सरकार की गाइडलाइंस जारी होने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जब लागू नहीं किया था, तो मैं 2013 में हाई कोर्ट गया था, मार्च 2013 में, पूरे 8 साल पहले। अगर आज भी यह स्थिति आती है तो मैं फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, क्योंकि इन बच्चों को न्याय चाहिए, इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या शिक्षा विभाग की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है। ये बच्चे अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ रहे हैं, सरकार या कोई उसका डिपार्टमेंट या कोई व्यक्ति इनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकता है, ये ह्यूमन राइट्स की एज है। बिलासपुर शहर के DRS सेक्टर में जिला मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए नुक्कड़ अभियान का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मुख्य संयोजक गुलाम एवं जिला प्रधान नसीम मोहम्मद ने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को विभिन्न ऋण योजनाओं, वित्त योजनाओं और छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। बिलासपुर शहर के DRS सेक्टर में जिला मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए नुक्कड़ अभियान का आयोजन किया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने कमेटी के समक्ष कई सुझाव भी रखे। उन्होंने लोगों को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना और शहरी विकास विभाग की ऋण योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जिला मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। नुक्कड़ हम कर रहे हैं, सारी मीटिंग लोगों की प्रॉब्लम, सारे मुस्लिमों की माइनॉरिटी के लिए, और इनके बहुत सारी स्कीमें हैं। अपने प्रधान जी हमारे नसीम जी, इनकी अध्यक्षता में ये सारी जितनी स्कीमें सारी डिटेल में बता रहे हैं लोगों को, और जो भी प्रॉब्लम है लोगों से एक एक आदमी से इनकी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लोन कैसे मिल सकता है, इनकी प्रॉब्लम कैसे हल हो सकती है, क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन से लोन कैसे मिलने हैं, छात्रवृत्ति कैसे मिलती है, ये सारे जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ, और टाइम टू टाइम जो है जो भी प्रॉब्लम है छात्रवृत्ति ये बच्चों की प्रॉब्लम है वो सारे उसका निपटारा करते रहते हैं। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है
और उनमें जा कर के नसीम जी चाहे तहसीलदार जी के पास जाना है, एसडीएम साहब के पास जाना है, किसी पटवारी के पास जाना है, वहाँ जा कर के कंसर्न आदमी से वो पूरी स्कीमों को पूरा करते हैं, इसको जा कर के और पूरी वो फॉर्म भी तैयार करते हैं और जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट को भेजने वहाँ भेजते हैं उसको। स्मार्ट सिटी शिमला में आवारा कुत्तों की समस्या से शहरवासी बेहद परेशान हैं। शहर में रोजाना कुत्तों के काटने के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिस कारण लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस समस्या का समाधान निकालने के लिए नगर निगम और प्रशासन दोनों ही असफल रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्लों तक कुत्तों के झुंड दिखाई देते हैं। यहां तक शिमला शहर का मुख्य आकर्षण ऐतिहासिक रिज मैदान व माल रोड पर भी आवारा कुत्तों को देखा जा सकता है। शहर का ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा जहां के लोग आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान ना हो। अगर बात करें शिमला के विकास नगर वार्ड की, तो यहाँ घूम रहे यह बेसहारा कुत्ते जनता की परेशानी का सबब बने हुए हैं। रोजाना यहाँ एक से दो लोग इन कुत्तों का शिकार बन रहे हैं, जिस कारण यहाँ के लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो चला है। खासकर छोटे बच्चे व बुजुर्ग लोग घर के बाहर निकलने से घबरा रहे हैं। वार्ड के लोगों का कहना है कि वे नगर निगम के समक्ष और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर कई बार इस समस्या के समाधान की मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी इस समस्या को अनसुना किया जा रहा है। बच्चों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। सामान लाना ले जाना हो तो हमारे को इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि हमें कुत्ते पड़ जाते हैं। मैंने CEO में हेल्पलाइन में 6 तारीख को फ़ोन करके कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक तो कोई उस पर अमल नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कुछ नहीं है। मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी समस्या का ध्यान रखें, हम घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उनसे नज़रें भी फेर दें तब भी वो हमारे पीछे बढ़ते हैं, इस कारण हमें अपना स्कूल जाने का रास्ता भी चेंज करना पड़ रहा है। दिन ब दिन कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे कि बच्चों को बड़ी आने जाने की परेशानी हो रही है। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हर टाइम बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है तो डंडे साथ में लेके जाना पड़ता है, ऐसे इतनी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो छोटे कुत्ते और एक बड़ी मतलब कुत्ते जब भी जाओ तो खाने भी पड़ जाते हैं, तो मतलब काफ़ी परेशानी होती है। गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि इसके ऊपर कुछ एक्शन ले, या तो जो हम कंप्लेंटें करते हैं या तो इसको डेस्क को बंद कर दिया जाए। यहाँ पे एक महीने से कुत्तों ने ऐसा आतंक मचा रखा है, एक रूटीन बन चुका हुआ इन लोगों का कि रोज ये 8-10 बंदों को रोज 7-8 कुत्ते ऐसे झपट पड़ते हैं कि पूछो मत। बच्चों का स्कूल के बच्चों का आना जाना दुबर हो गया। कल भी मेरे सामने मैंने इमीडिएटली काउंसलर को भी फिर वो पिक सेंड की, आपको भी दे सकती हूँ। इमीडिएटली उस बंदे का मतलब अच्छा खासा वो था हट्टा कट्टा इंसान, 8-9 कुत्ते उसको पड़े। इसमें हमने बाकायदा CM हेल्पलाइन से भी 2-3 कंप्लेंट है, वहाँ भी हमारे पास वो है कंप्लेंट नंबर है, वहाँ से भी जो देते हैं, वहाँ भी प्रशासन को भी डॉग जो उनका स्क्वायर टीम है नगर निगम की, उनको भी कई बार अवगत करवाया, पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। वैसे तो नगर निगम शहर में कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन जिस तरह शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, उससे लगता है कि नगर निगम के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायतों के साथ साथ अब महिला मंडल भी अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए अर्की उपमंडल की ग्राम पंचायत घनागुघाट के अंतर्गत आने वाले बपडोंग गांव की महिलाएं कार्य कर रही हैं। बपडोंग महिला मंडल द्वारा हर माह पूरे गाँव में सफाई अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के वह ठोस कचरे को इकट्ठा कर कूड़े का सही से निष्पादन भी किया जाता है, ताकि गाँव में सफाई व्यवस्था कायम रह सके। ये है जिला सोलन के अर्की उपमंडल के अंतर्गत आने वाला बपडोंग गांव। इस गांव की महिला मंडल में शामिल महिलाएं हर माह घर घर जाकर ठोस कचरा कूड़ेदान में एकत्रित कर उसे एक जगह पर गड्ढा करके दबा देती हैं। ये 30 महिलाएं हैं जो समय समय पर एकत्रित होकर गांव के रास्तों की सफाई के साथ साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करती हैं। महिला मंडल बपडोंग की प्रधान रीना ठाकुर ने कहा कि महिला मंडल द्वारा हर माह मासिक बैठक का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें सामाजिक कार्यों को लेकर चर्चा के साथ साथ गांव में सफाई व्यवस्था
व ठोस कचरे के निष्पादन को लेकर रणनीति बनाई जाती है। उन्होंने बताया कि वह हर माह टूटे कांच, बल्ब व न जलाए जाने वाले ठोस कचरे को घर घर से एकत्रित करती हैं और उसे गांव से बाहर गड्ढा करके दबा दिया जाता है। वहीं ग्राम पंचायत के प्रधान मधुबाला ने कहा कि उनकी पंचायत के सभी महिला मंडल विकास कार्यों में पंचायत का सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही वह अपने अपने गांव में सफाई व्यवस्था बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने महिला मंडल बपडोन द्वारा ठोस कचरे को एकत्रित कर उसका निष्पादन करने को लेकर किए गए कार्य की सराहना की। बपडोन गाँव में सफाई का अभियान चला रहा है तो सारे कहीं पंचायत में हमने यही अभियान चलाया कि सफाई का ध्यान रखें और सारे कहीं महिला मंडलों से यही अनुरोध है कि वो अपने गांव में भी स्वच्छता का अभियान चलाएं और हमारे गांव में सब महिला मंडल जो है बपड़ोन गांव की जो महिला मंडल है इन्होंने ठोस कचरे को आज भी किया है, इकट्ठा किया है और उसको मिट्टी में दबाया है। तो मेरी सबसे यही अनुरोध है कि आप सब भी इससे कुछ सबक लें और अपने गांव में अधिक से अधिक सफाई का ध्यान रखें। वहीं कुनिहार ब्लॉक में कार्यरत स्वच्छ भारत मिशन की समन्वयक हरदेई ठाकुर ने कहा कि उनके ब्लॉक के सभी महिला मंडल सफाई अभियान पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत ठोस कचरे को एकत्रित कर उसका सही से एक जगह गड्ढा करके निष्पादन किया जा रहा है। स्वच्छता का जो अभियान यहाँ पे चलाया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो महिलाओं ने यहाँ पे ये कार्य किया है और ये एक सराहनीय कार्य किया है। इन महिलाओं ने अपने लेवल पे ये हर महीने जो है ठोस कचरा इकट्ठा करती है और ठोस कचरा इकट्ठा करने के बाद जो है ये सभी महिलाएं जो इसको गड्ढा खोद के इसको दबाया जाता है और मैं एक मीडिया के माध्यम से इस संदेश को एक हर गांव, हर पंचायत, हर ब्लॉक तक, हर जगह तक इसको पहुंचाना चाहती हूं ताकि क्योंकि ये समस्या हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है और हर जगह जो है ये ठोस कचरे को लेकर ये समस्या आ रही है ताकि इस संदेश से ये सब देखकर और भी महिला मंडल, पंचायतें मतलब इस पर फोकस करें ताकि इसका सुधार हो। चैत्र माह प्रारंभ होने के उपलक्ष्य पर बाबा बालकनाथ सभा छोटा शिमला द्वारा बाबा बालकनाथ मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। सभा के सचिव ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते भंडारे का आयोजन सूक्ष्म रूप से किया गया था जिसमें केवल बाबा जी का प्रिय रोट व हलवा प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। पिछले कई वर्षों से हम बाबा बालकनाथ जी का भंडारा यहाँ छोटा शिमला मंदिर में कर रहे हैं। ये इस बार 48वां भंडारा है तो इस कोविड के कारण इस साल जो भंडारा हम नहीं कर पाए इसलिए एक सूक्ष्म रूप में रोट और प्रसाद बाबा जी के अर्पण किया जा रहा है और इसके बाद ये पूरा प्रसाद और रोट जो है सारे बाजार में वितरित किया जाएगा। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।